हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। जेएनयू से जुड़ी हुई खबर है, वहां की सिक्योरिटी को लेकर यह बताया जा रहा है कि अब समय समय पर ऑडिट किया जाएगा। अब से जेएनयू के हॉस्टलों का सिक्योरिटी ऑडिट होगा। जिस तरह की घटना वहां पर घटी है, एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर कुछ गुंडे दाखिल हो गए, अब ये बड़ी खबर आ रही है कि सिक्योरिटी ऑडिट करने की बात है। मनोज वर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। मनोज, क्या है ये पूरा मामला, जरा बताइए विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए जेएनयू प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है, ये अपील की गई है। पहली बात तो आपको ये बता दूं कि अपील की गई है उन स्टूडेंट से जो जेएनयू छोड़कर चले गए थे, उनसे ये कहा गया है कि वो वापस जेएनयू आ सकते हैं। अब जेएनयू के अंदर कोई भी खतरा उनको नहीं है और 13 तारीख से जो क्लासेस हैं वो शुरू होने जा रही हैं, तो आप वापस से आ सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। एक तो ये अपील की गई है और दूसरा एक लेटर और इश्यू किया गया है, जो वार्डन्स हैं और जो सिक्योरिटी है उसको ऑडिट किया जाएगा, ये देखने के लिए कि कहीं जेएनयू के अंदर कोई बाहर का कोई छात्र या बाहर का कोई शख्स तो हॉस्टल के अंदर नहीं रहता है। तो इसके लिए जो है जो वार्डन्स हैं उनसे भी पूछताछ की जाएगी और जो रजिस्टर है उनको भी ऑडिट किया जाएगा, और अगर ऐसा पाया जाता है तो तुरंत एसएचओ को इत्तला करने के लिए कहा गया है। चलिए, शुक्रिया मनोज वर्मा। हालांकि ये चीजें पहले हो जाती तो बेहतर होता। ये कहते हैं ना कि सांप के गुजर जाने के बाद लकीर पीटने वाली बात है।